एक वक्त की बात है, एक गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें मीठा, उसकी बीवी और उसके माँ बाप थे। मीठा एक नंबर का आलसी और काम चोर था। वो जहाँ कहीं पर भी जाता वहीं सो जाता था। अरे यार ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहीं पर सो जाता हूँ, फिर जब नींद पूरी हो जाएगी तो सामान लेकर घर चला जाऊंगा। फिर मीठा वहीं पर सो जाता है, यहाँ तक के बहुत टाइम गुजर जाता है। ये मीठा अभी तक वापस क्यों नहीं आया, हांडी चूल्हे पर चढ़ी हुई है। तो बेगम तू हांडी उतार दे, क्या मीठे ले आकर उतारनी है हांडी? अजी उससे टमाटर मंगवाए थे, टमाटर हांडी में डलेंगे तभी हांडी तैयार होगी, फिर ही उतारूंगी। तेरा बेटा तो हर बार ऐसा ही करता है, रुक मैं बाजार से टमाटर लेकर आता हूँ। फिर उसका बाप टमाटर लेने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे मीठा नजर आता है जो एक दरख्त के नीचे सो रहा होता है। वो गुस्से में उसके पास आता है। मीठे बगैरत इंसान, तेरे से टमाटर मंगवाए थे, तू दरख्त के नीचे आकर सो रहा है। ओहो अब्बा जान, बहुत जोर की नींद आ रही थी इसलिए सोचा यहीं पर सो जाऊं। नहीं घर में क्या चारपाई को कांटे लगे हुए हैं और तूने ये क्या मजाक बनाया हुआ है, जहाँ देखो वहाँ सो जाता है। काम धंधा तू कुछ भी नहीं करता, अब्बा हर वक्त सोना और खाना भी कोई छोटा काम नहीं है। अब अब्बा तूने मेरी नींद खराब कर ही दी है तो मैं टमाटर लेकर घर जाता हूँ। नहीं तो रहने दे, तू ऐसे ही घर जा, मैं खुद टमाटर लेकर आ जाऊंगा। वैसे भी तूने क्या करना है, टमाटरों वाली दुकान पर जाकर सो जाना है। तू घर पहुँच, मैं टमाटर लेकर आ रहा हूँ। फिर मीठा घर आता है तो उसकी माँ और बीवी बैठे होते हैं। आज्ञा ससुर माँ, मीठा आज्ञा, शुक्र है तू आ गया, टमाटर कहाँ पर है? ओ अम्मा जान, मैं टमाटर लेकर आ रहा था मगर रास्ते में अब्बा मिल गया तो वो कहने लगा कि तू घर जा, मैं खुद ही टमाटर लेकर आ जाऊंगा। ओ बेटा, पहले ही हांडी को बहुत देर हो गई है, अब पता नहीं तेरा अब्बा कब टमाटर लेकर आएगा। अम्मा आ जाएगा अब्बा टमाटर लेकर, तू फिक्र मत कर, मैं अंदर जाकर सो रहा हूँ, जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये कहकर मीठा घर के अंदर चला जाता है तो उसका बाप टमाटर लेकर पहुँच जाता है और उसकी माँ हांडी तैयार कर देती है। जा नसीबो, हांडी तैयार हो गई है, मीठे को बुला कर आके वो खाना खा ले। अच्छा सासू माँ, मैं भी मीठे को बुला के आती हूँ। फिर जब नसीबो मीठे को बुलाने के लिए अंदर आती है तो वो सो रहा होता है। ओ मीठे, तू कौन से सस्ते नशे करता है, हर वक्त सोता रहता है, नहीं तुझे और कोई काम नहीं है सोने के अलावा? और डायन की शक्ल की औरत, इतने अच्छे ख्वाब देख रहा था, सारी नींद ही खराब कर दी मेरी, बोल क्या कहना है तूने? मीठे खाना तैयार हो गया कर खा ले, ये नाव के खाना तेरी अम्मी अब्बू पूरा खा जाबे और तू भूखा रह जाबे। ओ बेगम तू एक काम कर, खाना अंदर ही ले आ, मेरा जिस्म थकन से चूर हो रहा है, कुछ खाऊंगा तो जिस्म में ताकत आ जाएगी। नहीं मैं ऐसा करती हूँ, खाना ला के तेरे मुंह में डाल देती हूँ, सारा दिन रात सोता रहता है। बेगम ज्यादा बातें ना कर, खाना लाना है तो ला वरना मैं सो रहा हूँ। अच्छा मीठे रुक, मैं खाना लेके आती हूँ। फिर नसीबो खाने की एक ट्रे बनाकर ले जाती है और जब वो अंदर आती है तो मीठा दोबारा सो रहा होता है। ये नहीं सुधरेगा, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा वरना ये दिन रात सोता रहेगा और सब कुछ खोता रहेगा। नसीबो अपने सास ससुर के पास आती है। सास ससुर जी, मीठा सो रहा है, इसने तो सो सो के मेरा जीना बहाल कर दिया। ये क्या, ये फिर सो रहा है? अभी टमाटर लेने गया था तब भी सो गया था और अब फिर सो गया है? मुझे तो लगता है मेरे बेटे पर किसी ने काला इलम करवा दिया है। चलो बाबा जी के पास चलो, उससे कोई तावीज लेकर आओ, मेरे बेटे का इलाज करवाओ। फिर वो तीनों गांव के बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें मीठे के बारे में बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी अपने इलम से पता लगवाता हूँ। फिर बाबा अमल करना शुरू कर देता है और मीठे के बारे में मुकम्मल पता लगा लेता है। बताएं बाबा,
बाबा जी किसने करवाया है मेरे बेटे पर काला इलम? कोई काला इलम नहीं हुआ तेरे बेटे पर, उसे काम चोरी और रोटी खोरी की आदत लगी हुई है। अब बाबा जी क्या किया जाए, किस तरह अपने बेटे को ठीक किया जाए? तुम मेरे पास शाम में आना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दूंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, हम शाम में आते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बाबा जी का चेला कहता है, वाह बाबा जी, अपना काम तो बहुत मस्त चल रहा है, यही वही जिन देंगे आप? हाँ तो जाहिर सी बात है, अपने पास कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, पता करो जिन कहाँ पर है। बाबा जी वो दूसरे गांव के कादी के पास है, चलो उसके पास। हाँ हाँ चलो, देर किस बात की। फिर वो दोनों उस आदमी के पास पहुँचते हैं तो वो आदमी उनके पाँव में गिर जाता है। ले जाओ इस जिन को, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है इसे करवाने के लिए, इसे ले जाओ वरना ये मुझे खा जाएगा। एक शर्त पर लेकर जाएंगे इस जिन को, पहले अपना मकान हमारे नाम करवाओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपना घर आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस जिन को ले जाओ। इतने में वो जिन आ जाता है। मालिक, मैंने आपका बाथरूम चकाचौक कर दिया है, अब जल्दी से और काम बताओ वरना मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख लग रही है, वो तुम्हें खा जाओगा। जिन अब रुक जाए, इसके पास और कोई काम नहीं है, तो वापस आस्थाने में चला जा, अपना काम हो गया है। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और वो बाबा उसका घर अपने नाम करवा लेता है और वापस अपने आस्थाने में आ जाता है। अरे बाबा जी, ये जिन तो बहुत काम का है, इसकी वजह से तो हम पूरे गांव वालों के घर अपने नाम करवा लेंगे। हाँ हाँ बाने तो शाम में उनको भी, अब जिन उनके पीछे लगवाऊंगा। फिर जब शाम होती है तो मीठा अभी तक सो रहा होता है। हाय मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, चलो बाबा जी ने शाम में बुलवाया था, टाइम हो गया है उनके पास जाने का। फिर वो तीनों उस बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। आओ आओ, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बाबा जी आपने क्या चीज देनी थी, जल्दी से दे दो, मेरा बेटा अभी तक सो रहा है, ये ना हो वो सोते सोते इस दुनिया से कुछ तुम दुनिया में चला जाए। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा जिन दे रहा हूँ जो तुम्हारे सारे काम करेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर बाबा जी वो जिन है कहाँ, अपने पीछे देखो। जब वो पीछे देखते हैं तो जिन वहाँ खड़ा होता है, वो उसे देखकर डर जाते हैं। पर बाबा जी ये जिन तो हमें नहीं खा जाएगा। नहीं नहीं बच्चा, ये तुम्हारे सारे काम करेगा, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। फिर वो तीनों उस जिन को अपने साथ ले जाते हैं। लो बाबा जी, एक और शिकार फंस गया, अब मजा आएगा जब हम इनका घर अपने नाम करवाएंगे। वो तीनों जब घर पहुंचते हैं तो मीठा खड़ा होता है। ये क्या, ये तुम लोग किसे अपने साथ ले आए हो? बेटा ये काम करने वाला जिन है, इसे कोई भी काम बताओ मिनटों में करेगा। अब अगर ऐसी बात है तो मैं भी ऑर्डर लगाता हूँ। और जिन जल्दी से 5 आटे की बोरियाँ लेकर आ। अच्छा बालिक, अभी लेकर आता हूँ। वो जिन गायब हो जाता है और थोड़ी देर में 5 आटे की बोरियाँ लेकर आ जाता है। अरे वाह, आई लव यू जिन चाचू, आप तो बहुत काम के हो, चलो जरा बाजार से कुछ सब्जियाँ लेकर आओ। जिन गायब हो जाता है। ये तो बाबा जी ने कमाल कर दिया, हमें बहुत काम का जिन दे दिया है, अब तो हम सब आराम करेंगे और ये जिन काम करेगा। पर बेगम, ये बाबा हम पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओहो, बाबा जी को हम पर तरस आ गया होगा इसलिए मेहरबान हो गए, आप भी ना ऐसे शक करते रहते हो। जी मालिक, मैं सब्जियां ले आया हूँ, जल्दी बताओ और क्या काम करवाना है आपने? बताता हूँ इतनी जल्दी क्या है, जरा थोड़ी देर आराम तो कर लूँ। नहीं, मुझे काम बताओ वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा।
जिन चाचू की आप कैसी बातें कर रहे हो? जल्दी बताओ काम, वरना तुम्हारी ओचड़ी निकाल कर खा जाऊंगा। अच्छा अच्छा जिन चाचू, मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया है, सर दर्द की गोलियां तो ला दो। जिन गोलियां लेने चला जाता है। देख ले बेगम, मैं कहता था ना बाबा क्यों मेहरबान हो रहा है, उसने हमें फंसा लिया है अपने जाल में। बेटा मैं और तेरी माँ उस बाबे के पास जा रहे हैं, तो जिनको काम में लगा कर रख। ठीक है अब्बू जान, खुदा का वास्ता है, जल्दी वापस आना। वो दोनों निकल जाते हैं और जिन वापस आ जाता है। मालिक मैं गोलियां ले आया हूँ, जल्दी से और काम बताओ। जिन चाचू सर का दर्द बहुत बढ़ गया है, सर दर्द की और गोलियां ला दो। ओ पौनी वाले, मैं जिन हूँ तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो एक काम दोबारा करूँ, कोई नया काम बताओ। अच्छा फिर मुर्गी के फेफड़े लेकर आ जाओ। जिन गायब हो जाता है और वहाँ वो दोनों बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा ये आपने कैसा जिन दे दिया है हमें, ये तो एक मिनट में काम कर देता है और फिर नया काम मांगता है, अगर ना दो तो हमें खाने की धमकी देता है। ये ऐसा ही जिन है, बस इसे काम करवाते रहो तुम लोग। बाबा जी एक ना एक दिन तो सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर तुम इसकी खुराक बनोगे। बाबा जी ऐसा ना कहो, हमारी जिन से जान छुड़वाओ। तुम्हारी जान एक शर्त पर छूट सकती है, तुम अपना घर बाबा जी के नाम कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो, जो तुम सुन रहे हो वही कह रहे हैं। अब या तो जिन का नुवाला बनो या मकान हमारे नाम करो। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, या तो जिन से ही काम करवाते रहें या उसका लुकमा बन जाएं। वो दोनों मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। अब्बा क्या बना, बाबा जी क्या कह रहे हैं? बेटा उस बाबे ने हमें फंसा लिया है, वो मकान अपने नाम करवाने का कह रहा है, तभी जिन को वापस बुलवाएगा। अब्बा कर दे मकान उसके नाम, ये ना हो कि ये जिन हमें कूट कूट के बना दे जाम। हाँ सुसर जी, मकान उसके नाम कर दो इससे पहले कि वो वापस आ जाबे। मैं दूध ले आया हूँ, जल्दी से और काम बताओ, बहुत भूख लग रही है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन चाचू जल्दी से इस गाय का गोबर उठाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है मैं भी उठाता हूँ। अब्बू जान जिन चला गया है, जल्दी से कोई तरकीब निकालो कि ये जिन हमेशा के लिए किसी काम में लग जाए। मिट्टी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे जहन में, कुत्ते की दुम कभी सिद्धि ना होवे, क्यों ना मैं कुत्ते की दुम सिद्धि करने के लिए इस जिन को काम पे लगावे। सारी जिंदगी कुत्ते की दुम सिद्धि करता रहेगा, लेकिन कुत्ते की दुम सिद्धि ना होवेगी। अरे वाह बहू रानी, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तूने। मैं जाता हूँ और एक टेढ़ी दुम वाला कुत्ता लेकर आता हूँ। उसका बाप चला जाता है और जिन गोबर उठाकर आ जाता है। मैं गोबर उठा आया हूँ और काम बताओ। जिन चाचू गोबर तो ले आए हो, मगर फेंकेगा कौन तुम्हारे अबू जान, चल इसे फेंक कर आ। वो जिन गोबर फेंकने चला जाता है और उसका बाप एक कुत्ता ले आता है। वाह अब्बा कुत्ते की दुम तो बहुत टेढ़ी है, मगर अब्बा जिन ने अगर कुत्ते की दुम सीधी कर दी तो फिर देख ले के हमारी लाशें सीधी हो जाएंगी। नहीं बेटा, दुनिया का हर काम हो सकता है, मगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, तो आने दे अब जिन को। इतने में जिन गोबर फेंक कर आ जाता है। और काम बताओ, बहुत भूख लग रही है, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन चाचू ये कुत्ता नजर आ रहा है ना, इसकी दुम सीधी करो, मुझे इसकी दुम सीधी चाहिए। जो हुक्म मालिक, मैं अभी सीधी करता हूँ। फिर जिन दुम सीधी करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, दुम सीधी नहीं होती, और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ये क्या वो मकान नाम करवाने नहीं आए अभी तक, लगता है जिन ने उन्हें खा लिया होगा। बाबा जी ये तो अच्छी बात है, अब हम उनके घर पर कब्जा कर लेंगे। हाँ चलो उनके घर चलो।
फिर जब वो घर आते हैं तो वो सारे मजे से बैठे होते हैं और जिन कुत्ते की दुम सीधी कर रहा होता है। ये तुमने मेरे जिन को किस काम पर लगाया हुआ है? देख नहीं रहा कुत्ते की दुम सीधी करवा रहा हूँ? तू तो बहुत स्याणा बन रहा था, अब देख इसे कैसे काम में लगाया है, कभी खत्म ही नहीं होगा। भाई तुम मेरा जिन मुझे वापस कर दो, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मैं अपने जिन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। बहुत दूर के बच्चे, फिलहाल तू मेरी नजरों से दूर हो जा, चल निकल जा यहाँ से, वरना जिन को कहकर तेरे डेले बाहर निकलवा दूंगा। अच्छा अच्छा, मुझे कुछ मत कहना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ मेरे प्यारे जिन, अगर इस कुत्ते की दुम सीधी हो जाए तो तू मेरे आस्थाने में आ जाई। इस कुत्ते की दुम सीधी होने वाली नहीं है, तू शाबाश अपना मुंह गुम कर। इस तरह उनकी अकलमंदी से बाबा का जिन उससे छिन जाता है और मीठे के घर वालों के पास जिन आ जाता है, और जब उन्हें कोई काम करवाना होता है वो जिन से काम करवा लेते हैं और वापस उसे कुत्ते की दुम सीधी करवाने के लिए बिठा देते हैं।